संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और बंगाल की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। पिछले बंगाल दौरे के वक्त भी पीएम ने ममता सरकार को संदेश खाली के लिए जिम्मेदार ठहराया था। देखिए पीएम ने क्या कहा था। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बताने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। अंकुश श्रीवास्तव हमारे साथ बने। अंकुश श्रीवास्तव जी, अब सवाल यहां पर यह है कि इस पूरे विषय में देखिए आरएसएस का भी बयान आया, बीजेपी तो इस विषय को लगातार ही उठा रही है, जो टीएमसी की हैंडलिंग रही है और चुनाव में जो भी डिफेंस होगा, क्या आप उसे मानते हैं कि पर्याप्त होगा वो डैमेज कंट्रोल के लिए या फिर देर हो चुकी है? देखिए देर तो हो चुकी है। टीएमसी ने जिस तरीके से शेख शाहजहां को बताने की कोशिश की है, अगर थोड़ी अकलमंदी से काम किया जाता, उसको गिरफ्तार करा दिया जाता, उसके साथ में उसके सिंपैथी नहीं बढ़ती करती जाती। और तो और जो सबसे खतरनाक काम किया, सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसको बचाने की प्रक्रिया और इस नाम पे कि साहब ये हमें हक है, वो बहुत खराब हुआ। इस वजह से टीएमसी बहुत इसमें खतरे में नजर आ रही है। और अब दीदी कुछ जगह कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को कुछ अतिरिक्त पैसा देते, अभी हफ्ते भर पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसा दे दिया उन्होंने, वो एक तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश है। ठीक है, किसी वर्ग को बड़ा पैसा मिले अच्छी बात है, लेकिन ये भी लोग समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, अचानक चुनावी दिनों में ये देने का अर्थ क्या है। तो मुझे लग रहा है कि कई वहां पर मामले ऐसे हुए और टीएमसी एक ये संदेश खाली एक अकेला मसला नहीं, संदेश खाली के पहले न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो धीरे धीरे बढ़ करके एक पहाड़ सा बन गया है कानून व्यवस्था के नाम पर, महिलाओं की अस्मिता को लेकर के, इस वजह से उसको दिक्कत आएगी। और ये एक बड़ा मुद्दा इस वजह से बनता हुआ नजर आ रहा है बादल देवनाथ साहब, लेकिन आप लोगों को भी सियासी तौर पर भी एहसास तो इस बात का होगा ही कि ये मुद्दा एक बड़ा डेंट लगा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार लगती है, फिर सीबीआई की हिरासत से बचाने के लिए जिसका जिक्र अभी अक्कू जी कर रहे थे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है, एहसास तो होगा ना कि ये मुद्दा डेंट देने जा रहा है, तो आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है अब संदेश खाली को लेकर? समीर जी, पहले आपको समझ आ जाए संदेश खाली में कुछ हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते, मैं भी जानते, प्रियंका भी, प्रियंका मेरा बहन भी जानता है जी, ये तो लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन पीएम ने, पीएम का बात आपने कहा, पीएम ने जो, पीएम ने संदेश खाली का बात किया, लेकिन आप पीएम ने ये नहीं कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हजारों हजारों करोड़ रुपया सीबीआई ईडी को पहुंचा के जबरदस्ती लूटा है, ये नहीं बोला। गैस का दाम ये संदेश खाली पर, संदेश खाली के मुद्दे पर आपका बचाव है 100 किलोमीटर हरियाणा में, महाराष्ट्र में इज्जत की कीमत जो है वो आप गैस और सिलेंडर के दाम से बराबर करके लगा पाएंगे? पीएम के औरतों को इस तरह से दबाया गया, उसको फंसाने की कोशिश हो रही है, क्यों शाहजहां ममता बनर्जी का? प्रियंका जी लेकिन बादल देवनाथ साहब का दुख हो रहा था, प्रियंका जी बादल देवनाथ साहब का जवाब तो ये बता रहा है कि वो किन मुद्दों पर आपको घेरने की कोशिश करेंगे जब आप संदेश खाली का जिक्र करेंगी सियासी तौर पर।
देखिए वो अपने मुंह की खाएंगे, क्योंकि किसी औरत का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, उसकी आबरू नहीं होता है। पेट्रोल के दामों से चुका दिल्ली में हर दिन रेप नहीं होता है, न्याय दिला पाएंगे जिसके वो हकदार है? क्या आप उनको वो इज्जत लौटा पाएंगे? टीएमसी के नेताओं ने पार्टी ऑफिस में 500 रुपए के बहाने उनकी लूटी। अरे ऐसी औरतें हैं जिनको इन्होंने कहा कि हम घर में तभी घुसने देंगे जब तुम हमारे साथ सोओगी, और ये बातें एफिडेविट पर है जो की मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी। देखिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप पहले भी लग चुके हैं और ये बहस लंबी चल रही है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि इस विषय पर क्या वाकई में आने वाले समय में मतदाता विचार कर रहा है।